सिद्धार्थ शुक्ला इन दिनों काफी लाइमलाइट में बने हुए हैं और इसकी वजह है उनका बिग बॉस 13 में कंटेस्टेंट होना। इस शो में जब से सिद्धार्थ की एंट्री हुई है वो अपने किसी न किसी किस्से को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी में बन ही जाते हैं, फिर चाहे वो रश्मि के साथ उनका रिलेशन हो या फिर अपने पुराने प्यार आरती सिंह को लेकर। हालांकि ये पहली बार नहीं जब सिद्धार्थ कॉन्ट्रोवर्सी से घिरे हो। जी हाँ, ऐसा पहले कई बार हो चुका है जब सिद्धार्थ के कई पंगे कई कांड है। कौन से है वो पांच बड़े कांड, आइए बताते हैं आपको। पहला कांड, तेज गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार। जी हाँ, सालों पहले सिद्धार्थ ने तेज रफ्तार में गाड़ी चलाई थी और उस दौरान उनकी गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो कंट्रोल ही खो बैठी थी। इस घटना के बाद ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें जमकर फटकार लगाई और उनके खिलाफ आईपीसी की कई धारा के तहत मामला दर्ज किया था। दूसरा कांड, कुणाल वर्मा के साथ की हाथापाई। ये किस्सा है शो दिल से दिल तक के दौरान का। इस सीरियल में ही सिद्धार्थ और रश्मि के अलावा एक्टर कुणाल वर्मा भी थे। दरअसल इस सीरियल के सेट पर कुणाल सिद्धार्थ के बिहेवियर से काफी परेशान थे और सिद्धार्थ के अनप्रोफेशनल बिहेवियर के कारण कई बार दोनों में नोकझोंक तक हुई। इतना ही नहीं, एक बार तो लड़ाई इतनी बढ़ गई कि सिद्धार्थ ने कुणाल को गाली तक दे दी और उन पर पानी भी फेंक दिया था। तीसरा कांड, तोरल राजपुत्रा के साथ भी हुआ था पंगा। जी हाँ, सीरियल बालिका वधू की को स्टार तोरल राजपुत्रा तो याद है ना आपको। जी हाँ, वही तोरल जिन्होंने आनंदी का किरदार निभाया था। तोरल और सिद्धार्थ के रिश्ते भी सेट पर ठीक नहीं थे। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि शो के एक हनीमून सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच काफी लड़ाई हुई थी जिसके बाद दोनों के बीच कभी भी बात नहीं हुई। चौथा कांड, शराब पीकर की ड्राइविंग। ये बात है साल 2014 की जब सिद्धार्थ को नशे की हालत में ड्राइविंग करते हुए पाया गया था और इस वजह से उन्होंने 2000 रुपए का फाइन भी भरा था। और पांचवा कांड, रश्मि देसाई से झगड़ा। सीरियल दिल से दिल तक से उठी सिद्धार्थ और रश्मि की लड़ाई किसी से छुपी नहीं है। हालांकि शो के शुरू होने से कुछ अरसा पहले ही रश्मि और सिद्धार्थ काफी अच्छे दोस्त थे और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब भी आने लगे, लेकिन जैसे ही रश्मि को इस बात का एहसास हुआ कि सिद्धार्थ दोस्ती के नाम पर दगा दे रहे हैं तो दोनों के बीच रिश्ते खराब होने लगे। दिल से दिल तक के सेट पर भी माहौल खराब होने लगा और खूब झगड़े होने लगे। शो से जुड़े कई सोर्सेस बताते हैं कि इसके बाद सिद्धार्थ के टैंट्रम्स लगातार बढ़ने लगे। कहा जाता है कि इसके बाद शो के सेट पर वैनिटी वैन के साइज और उसमें रखी चीजों को लेकर भी झगड़ा होने लगा। वेल, इन पांच कांड को देखते ही कहना गलत नहीं होगा कि सिद्धार्थ शुक्ला का कॉन्ट्रोवर्सी से काफी पुराना नाता है।